हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी अस्थमा के कारण और लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अस्थमा होता क्या है। तो यह एक श्वास नली की बीमारी होती है, जिसमें हमारा जो एयर बेस होता है, श्वास नली होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण से जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हम जानेंगे कि अस्थमा किस कारण से होता है। तो अस्थमा मेनली दो कारणों की वजह से होता है। एक, जेनेटिकली, अगर हमारे परिवार में किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो आगे पीढ़ी में आएगी, क्योंकि अस्थमा जो है ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमारी है। तो जो अस्थमा की प्रॉब्लम है ये 12 साल की उम्र में या फिर एडल्ट होने पर दिखाई देने लगती है। एंड जो दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक डस्ट एरिया या कोल्ड एरिया में ज़्यादा रहने की वजह से, एलर्जी किसी भी ड्रग की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से अगर एलर्जी होती है तो, एंड हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो अस्थमा के लक्षण है वो धीरे धीरे से दिखाई देने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि अस्थमा में क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अस्थमा का जो मेन लक्षण होता है वो है सांस लेने में दिक्कत। तो सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसकी शुरुआत अचानक से होती है, और चेस्ट पेन होता है, छाती में जकड़न सी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई दबाव पड़ रहा हो, ठीक है। और एलर्जिक सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लाइक कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गया, ठीक है, बार बार छींकें आने लगती हैं और सीटी जैसे आवाज़ आने लगती है सांस लेने पे। और अगर ये सीवियर कंडीशन में हो जाता है तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम होने लगता है और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण से बेहोशी की संभावना भी रहती है, ठीक है। और कफ भी रहता है, ज़्यादातर जो है ड्राई कफ रहता है। तो ये सारी जो लक्षण है वो दिखाई देती है। जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक साथ दिखाई दें, ठीक है, कुछ किसी किसी पेशेंट में कुछ ही लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे लक्षण जो है वो अस्थमा पेशेंट के में हो सकते हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो ये थी अस्थमा के कारण और लक्षण के बारे में। आई होप कि आप सभी को इसके कारण और लक्षण के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।